हेलो दोस्तों, गार्डनिंग कॉग्नाइज फॉर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ये है हमारा आम का प्लांट। देखिए कितना सारा ब्रांच निकला हुआ है, लेकिन पहले से ऐसे नहीं थी। मैंने सिर्फ एक महीने के अंदर से इस तरह ग्रो किया है। इतनी अच्छी तरह ग्रो कैसे किया, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जून की महीना आ चुकी है, इसी महीना से हर प्लांट की ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि प्लांट में बहुत सारा ब्रांच आ जाए, एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। अपना घर पर ये सब चीजों को लेके दे देना है। ये चीजों क्या है आप ये वीडियो पर एक एक करके देख सकते हैं। फिर एक महीने की बात देखना है कि अपना प्लांट पर कितना सारी ब्रांच आ गया होगा। दोस्तों, ये है हमारा आम का प्लांट जो मैं एक साल से लगाया था। देखिए यहाँ पर एक भी ब्रांच नहीं निकला हुआ है। मुझे यहाँ पर ब्रांच लाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये तीनों जगह पर मुझे कैसे ब्रांच लाना है, मैं ये प्रोसेस शुरू करूँगा और आपको एक एक करके दिखाना है कि आप क्या क्या दे सकते हैं और कौन सी मेथड से और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक गमला लेकर प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले लेते हैं एक गमले। दोस्तों, ये है केला की छिलका। ये केला की छिलका को मैं अच्छी तरह काट लेती हूँ। देखिए मैं इस तरह काट लेती हूँ, मैंने कैंची के माध्यम से इस तरह काट लेता हूँ। इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लेना है। देखिए ये किस तरह मैंने काट लिया हूँ। इस तरह आप भी काट लेना है। चलिए मैं और कुछ इसका साथ ऐड करता हूँ। ये है एलोवेरा, मैं एलोवेरा इसका साथ भी ऐड कर लेती हूँ। एलोवेरा को भी छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लेना है। देखिए ये छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लेना है क्योंकि ये इसका साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये है एलोवेरा का छोटा छोटा टुकड़ा। मैं ये दोनों के साथ और एक पत्ता मिलाता हूँ। ये एलोवेरा देख लीजिए। चलिए मैं और कुछ इसका साथ मिलाता हूँ। ये है घास की पत्ता। ये पत्ता बहुत जल्दी सड़ जाएगा, इसीलिए मैं इसका साथ मिलाता हूँ। चलिए मैं इसको भी इसका साथ छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लेती हूँ। चलिए इस तरह काट लेती हूँ क्योंकि इसका साथ मिक्स हो जाए। इस तरह आप भी काट लेना है। चलिए इसको भी काट लेते हैं। ये देखिए अब भी इस तरह काट लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरह मिक्स करने के बाद मैंने ये देखिए, ये है चावल की छिलका। मैंने चावल की छिलका थोड़ी से ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है चावल की छिलका। ये छिलके मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, इतना सा ऐड कर लेती हूँ। चलिए इसको मिक्स करते हैं। चलिए इसका साथ थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर लेती हूँ, इतना सा दे देती हूँ। नहीं देगा भी चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा दे देती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्द सड़ जाएगा। ये है ग्रो पाउडर, थोड़ी सी भी ऐड कर लेती हूँ, बस इतना सा। चलिए अब प्लांट का पास जाना है। ये है हमारा प्लांट। देखिए ये है प्लांट, इसमें ब्रांच नहीं निकलती है। पहले ये पत्ते थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं, इस तरह काट लेते हैं। काटने के बाद इसको कैसे देना है, देखिए हम कैसे देते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, यहाँ पर भी देना है, और जगह थोड़ा थोड़ा दे देना है। यहाँ पर भी थोड़ा देना है, फिर इसका पीछे भी थोड़ा देना है। ये सबको मैं ऐड कर लेती हूँ, बस ऐड हो चुकी है। अच्छी तरह सेम कर देना है। ये देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए मैं किस तरह
दे दिया हूँ, ये देखिए आप भी इस तरह दे सकते हैं। चलिए हम पानी ऐड करते हैं, इस तरह पानी दे देना है, इस तरह प्लांट के ऊपर से पानी दे देना है, जैसे कि बारिश हो जाए इस तरह आपको पानी दे देना है। देखिए दोस्तों मैंने कैसे प्लांट के ऊपर पानी में बारिश कर दिया हूँ, प्लांट को लगता है कि बारिश हो रहा है। देखिए दोस्तों ये प्लांट को देखिए, आपको लगता है कि इसमें ब्रांच आ जाएगा? देखिए दोस्तों ये प्लांट को, ये सामने वाला देखिए दोस्तों, फिर हमारा प्लांट को देखिए। यहाँ पर मैंने कैसे घरेलू फर्टिलाइज़र दिया हूँ तो इसको भी देख लीजिए, ये एक महीना के अंदर अंदर एकदम से सड़ जाएगा और फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। और हमें देखना है एक महीना के बाद किस तरह ब्रांच निकला हुआ या नहीं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए और ऊपर से भी देख लीजिए, हर जगह पर आप देख लीजिए कि जब ब्रांच आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ब्रांच निकला हुआ या नहीं। चलिए दोस्तों हम एक महीना छड़ के देखते हैं। एक महीना हो चुकी है दोस्तों, चलिए हाथ जाम देखना है। देखिए दोस्तों वो किस तरह ग्रो हो चुकी है, कितना सारी ब्रांच निकल चुकी है, ये देखिए इतना सा हेल्दी सा ब्रांच है। आप भी अपना गार्डन की इस तरह ब्रांच ला सकते हैं, लेकिन इसी मेथड यूज करके। वाओ कितना अच्छा ब्रांच निकल चुकी है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा ब्रांच निकल चुकी है, मुझे लगता है कि ये अगला साल आम आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर सारी ब्रांच पर आम आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए हमको एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले साल देखना है कि आम हमको देता है या नहीं। मुझे लगता है ये तो बहुत सारा आम दे देगा, यहाँ पर भी आम आना शुरू हो जाएगा। मुझे तो लगता है अगले साल कम से कम 100-200 आम आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप बताइए कितना आएगा, इसलिए आपको कमेंट में कहना होगा। इतना सा हेल्दी प्लांट है, इतना सा करने से आपको इस तरह प्लांट देखने को मिलेगा। दोस्तों टोटली ये प्लांट का एक साल पहले से हुआ था, फिर ये एक महीना हो चुकी है, टोटली पर 13 महीना हो चुकी है प्लांट पर, लेकिन और एक साल लगेगा इसको आम आने के लिए। क्या आप इस तरह प्लांट अपना घर पर बना सकते हैं? जब आप इस तरह मेथड यूज करेंगे तो कंपलसरी आपको इस तरह प्लांट मिल जाएगा। आप एक बार इस तरह कोशिश करें कि कम से कम 2 साल से आपको आम आना शुरू हो जाएगा और आप भी अपना घर पर अपना प्लांट से आम लेके खा सकते हैं। दोस्तों आप इस तरह प्लांट लगाने से बाज़ार से आम खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 साल में इसमें आम आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको गार्डनिंग रिलेटिव वीडियो देखना है तो हमारी चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो आप देख लीजिए, आपको बहुत सारे जानकारी मिल सकते हैं।
चलिए दोस्तों, कुछ नया जानकारी के साथ अगले वीडियो पर मिलते हैं।